बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और आज का व्लॉग भी मैंने स्टार्ट किया है अपने नाश्ते से। आज अगेन मैंने फ्राइड एग बना लिया था। इसमें मैंने जस्ट लाल मिर्च ऐड की है और नमक ऐड किया है, देन फ्राई कर लिया। और अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैंने किचन को साफ़ कर लिया था, और हर चीज़ को अपनी जगह पे रखने के बाद आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाना था क्योंकि लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था। तो मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं ये मेरे पास शर्ट पड़ी हुई है, सिल्क की है ये, तो इसको मैं आयरन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक मेकअप लुक। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, ताकि मुझे मोटिवेशन होती रहे, ठीक है। और यार इतनी मैं लेज़ी हूँ ना, आयरन स्टैंड जो है ना वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो अब मेरा मैं कह रही हूँ कौन शर्ट उठाए ऊपर जाए, तो मैं यहाँ बेड पे ही इसको लेके प्रेस कर लूँगी और उसके बाद जो है ना वो अपनी मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये शर्ट मैंने अपनी प्रेस कर ली है, और ये देखें ब्लू कलर मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरी एक्सटेंशन भी ब्लू है। और वहाँ मैंने डोर थोड़ा सा ओपन कर लिया था यार, वैसे तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई लेकिन उसके बाद अच्छी सी धूप आ गई है, तो इसलिए मैंने डोर ओपन कर दिया कि थोड़ा सा रूम में भी धूप आएगी और पॉजिटिव एनर्जीज एंटर होती हैं इससे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर मेकअप। ओके, ये है मेरा फेस बिफोर मेकअप। और सबसे पहले मैं मैन प्रोडक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करने लगी हूँ। ये है बेबी कंसीलर, ये सॉरी कंसीलर नहीं है, ये वो है प्राइमर है, ठीक है। प्राइमर मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है, और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ये मेबेलिन की बेस। इसको अच्छी अच्छी तरह ब्लेंडिंग अप्लाई। तो बेस मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, देखें आप लोगों को बकायदा फ़र्क फील हो रहा होगा पहले से और अब। तो अब ये जो मेरे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हैं ना, इनको हाइड करने के लिए ना मैं ये अप्लाई करने लगी हूँ कंसीलर। ठीक है, इसके बाद जो मैंने करना है वो अपनी आईब्रोज को सेट करना है, तो उसकी बारी आ गई है। ये है मेरा आईब्रो पैलेट छोटा सा, और ये है इसकी ब्रश, इसकी हेल्प से मैं करूँगी ये डार्क शेड जो है ना ये लेके, तो अपनी आईब्रोज को फिल करने लगी हूँ। ओके,
ये मैंने अपनी आईब्रोज का भी फिल कर लिया है और अब बारी आती है फेस पाउडर लगाने की और आई शेड्स लगाने की। स्टेज पे मैं अप्लाई कर रही थी फेस पाउडर और ये वाली ब्रश की हेल्प से, ये मेरे पैलेट के अंदर ही था फेस पाउडर भी, तो बस मैंने इसको जल्दी से अप्लाई कर लिया। और इवनली अप्लाई करना होता है फेस पाउडर, वैसे भी फाउंडेशन लगा लो तो उसके बाद ना स्किन को एक थोड़ा सा पाउडरी लुक देने के लिए ना फेस पाउडर मस्ट होता है। मुझे ये लगता है कि फेस पाउडर के बगैर मेरी जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो स्टे ही नहीं करती। सो मैं थोड़ा सा इसकी सबसे मुश्किल मरहला जो मुझे लगता है ना वो आई मेकअप का लगता है। तो सबसे पहले ना ये वाला जो ब्राउन शेड है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये लेके ना मैं इसकी बेस लगाने लगी हूँ। अब पता नहीं ब्रश साफ़ भी है या नहीं, मैंने धोई नहीं है, आज मैंने ये काम भी करना है। उसके बाद अब इसमें ब्लू कलर नहीं है ना, तो आज मैं सोच रही हूँ फिर मैं वाइट कलर जो है ना वो एक साइड पे कर लूँ और एक साइड पे ना थोड़ा सा मैं इसका मिक्स मेटालिक कलर। अब मैंने बेस अप्लाई कर लिया है तो अब मैं ये वाला मेटालिक कलर लेके कॉर्नर्स पे अप्लाई करने लगी हूँ, ये, ठीक है। स्टेज पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये वाला मेटालिक, ठीक है, ये वाला मेटालिक और ये वाला, दोनों कलर्स लेके ना यहाँ कॉर्नर्स पे लगाए और ये जो सिल्वर कलर है ना ये मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, इस कॉर्नर पे। और ये जो ब्लैक कलर है ये मैंने लिया है इसकी हेल्प से और यहाँ पे लोअर लैश लाइन पर लगा दिया, ठीक है। तो बस इतना सा मेरा आई मेकअप था जो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं ब्लश ऑन लगाऊँगी और लिपस्टिक लगाऊँगी। अच्छा, इस स्टेज पे जो फाइनल चीज थी ना वो लिपस्टिक थी जो मैंने, ये वाला कलर, यार ये बहुत लाइट कलर है लेकिन जब अप्लाई किया ना तो बहुत डार्क हो गया, तो इस पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर अप्लाई करती हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ ना लाइट हो जाए। अच्छा, जो वो कलर था ना वो थोड़ा सा डार्क था तो मैंने साथ ये वाली लिपस्टिक भी यूज़ की है, तो और अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है कलर। और अब मैं आपको टॉप्स भी पहन के दिखा देती हूँ और फाइनल लुक दिखाती हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी फाइनल लुक। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर योरसेल्फ, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अच्छा, अब देखिए ये आई कलर जो है ना ये इसके साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, आई शेड्स जो भी हैं। अच्छा, मैंने आपको एक और बात भी बतानी थी कि ये जो नेक लाइन होती है ना इसके साथ आपकी लुक बहुत स्मार्ट आती है और बड़ी आउटस्टैंडिंग सी आती है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी अपने ड्रेसेस बनवाऊँ तो उनकी जो नेक लाइन है ना वो इस तरह से बनवाऊँ। इसके बाद अपनी सारी ब्रशेज धोने लगी, ये मैं पानी में डाल दी थी और ये हैंड वॉश पड़ा हुआ था, जो भी लिक्विड में आपके पास पड़ा हुआ है सॉल्यूशन उसको यूज़ करते हुए आप धो लें। इसमें ना ज़्यादा कलर आ जाता है, ब्लश भी नहीं लगता। थोड़ा सा फेस वॉश डाल, पहले हैंड वॉश डाला, फेस वॉश डाल,
ऐसे मैं इसको रहने दूंगी एक दो घंटे, उसके बाद सारा कलर उतर जाएगा, तो फिर मैं इसको ड्राई कर लूँगी और